अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 4 एक्सरसाइज 8.1 का, ये पार्ट थर्ड है आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें कुछ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िए। कह रहा है कि गिवेन 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड साइन सी। आपको साइन ए और साइन सी निकालना है। आप ध्यान देने वाला बात इसमें क्या है कि आपको एंगल ए यहां पे लिया है और निकालना भी एंगल ए ही वाला है, यानी कि साइन ए और सेक ए निकालना है। अगर सी या तो बी दे देता तो आपको ट्रायंगल बनाने का जरूरत था। तो आप यहां से आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो समझो। आप यहां से देखिए सॉल्यूशंस लिख देते हैं, प्यार से सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहां पे देखिए 15 कॉट ए इतना है, तो 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 है, तो आप कॉट ए बराबर आप लिखोगे बच्चे 8/15। आपको ध्यान देना है कि ये किसका वैल्यू है, तो ये होता है आपका कॉट वाला होता है बी बाई पी, ठीक है। यानी कि इससे पता आपको चला कि हमारे पास जो बी है वो है 8 के। के क्यों मार रहे हैं पता चल गया, क्योंकि हमें पता नहीं है रेशियो में दिया हो इसलिए। अब उसके बाद है पी कितना है, तो पी है आपका 15 के। तो आप एच निकाल लो, एच के लिए आप डायरेक्ट अब रखोगे क्योंकि आप समझदार तो हो गए हो। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका पी स्क्वायर कितना है 15 के का स्क्वायर, ओके। और ये हो जाएगा आपका 8 के का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 225 के हो का हो जाता है स्क्वायर। साफ साफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 200, अरे यार ठीक से हो जा, 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। आप इसको ऐड करोगे बच्चे तो 289 के स्क्वायर आएगा, यानी कि 289 के स्क्वायर। आप यहाँ 17 के आप निकाल सकते हो, यहाँ से कितना वैल्यू आएगा 17 के वैल्यू आ गया। तो हमारे पास एच का वैल्यू पता चल गया। अब आपका फॉर्मूला पे रख देते हैं। यहाँ पे मान लो कि निकालना है आपको साइन ए निकालना है ना, तो साइन ए के लिए पी बाय एच होता है, तो पी कितना है आपका, तो पी यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 के है ना, तो 15 के। और एच कितना निकाले हैं 17 के, तो आप इसको खच खच काट दो और 15/17 इसका आंसर डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सेक ए निकालना है, तो सेक ए के लिए होता है h/b, और यहाँ पे h कितना है बच्चे, तो h है आपका 17 के और b जो है 8 के है कि नहीं, तो इसको आप खच खच काटिए 17/8 आंसर आ गया। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करें, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। गिवेन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट करना ऑल द टी रेशियो में, तो जो बाकी सब बच गया उन सबको। यहाँ पे देखिए बात करेंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे प्यार से, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे प्यार से। अब यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल्स टू हो गया 13/12। अब सेक थीटा किसको कहते हैं, सेक थीटा होता है h/b, क्या होता है h/b होता है ना, सेक थीटा कॉस का उल्टा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि h का वैल्यू आपका 13 के, फिर है उसके बाद b का वैल्यू 12 के है कि नहीं है। तो यहां से आप निकालोगे किसका वैल्यू, p का वैल्यू अंडर रूट h² - b² यहां से आप देख पा रहे हैं बच्चे कि 13 के का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर में और -12 के का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका होता है 13 का कितना होता है 169 शायद होता है 169 के स्क्वायर और इसका होता है 144 के स्क्वायर। घटाने पर आपका आता है 25, कितना आएगा 25 के स्क्वायर, और इसको आप निकालोगे तो 5 के आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 5 के आंसर आ जाएगा। अब आपको बाकी सब जितने भी रेशियोज हैं उसको लिखना है। जैसे सेक से डायरेक्ट पहले क्या हो जाएगा, देखो एक जो बच गया वो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के लिए इसका उल्टा b/h, तो आप b/h कैसे लिखेंगे 12/13 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आप निकाल दो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो p/h आपका कितना है, p आपका आ रहा है 5 के और h आ रहा है 13 के, तो आप इसको काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13
थर्ड है साइन का कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, यानी कि एच बाई पी, और इसका आंसर कितना है 12/5। उसके बाद फोर्थ नंबर से आपका आ जाएगा टैन के लिए। बच्चे टैन के लिए क्या होता है, पी बाय बी होता है, टैन का कितना होता है पी बाय बी। तो पी बाय बी को कैसे लिखेंगे, पी हमारे पास कितना है जी, पी है आपका 5k, और बी कितना है, तो बी है आपका कितना, बी है 12, बी फोर 12, बाहरे वाह एक कट गया, यहाँ पे आ गया 5/12, 5/12 कितना आ गया 12। अब लास्ट जो है वो आप लिख दो, कैसे लास्ट हमारा क्या है, cot थीटा, cot थीटा किसका अपोजिट होता है, तो cot थीटा होता है tan का अपोजिट, तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा 12/5 आंसर। अब लास्ट में लगा दीजिए क्या, स्माइल, हंसिए दांत निकाल करके, क्योंकि आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका और भी जो 6-7 ये सब जो भी है एक्सरसाइज का क्वेश्चंस उसको करने के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।